हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम, क्या आप जानते हैं स्वाद से भरे मोमोज की शुरुआत कहाँ से हुई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कई जगहों पर बेहद लोकप्रिय व्यंजन के रूप में प्रसिद्ध मोमोज की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मोमोज का नाम सुनते ही मुँह में पानी आना एक आम बात है, और चटपटी चटनी आ जाए तो मज़ा ही दुगुना हो जाता है। आप में से न जाने कितने लोगों का मोमोज फेवरेट होगा। मोमोज भारत ही नहीं बल्कि आसपास की अन्य जगहों में खाने पीने के स्वाद की बात आती है तो लाजिज मोमोज सामने आते हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि भला स्वाद से भरे मोमोज की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। आखिर कब यह स्वादिष्ट व्यंजन फूड की दुनिया से लेकर कर खाने पीने के प्लेट में अहम हिस्सा बन गया। आखिर पहली बार इन स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद किसने चखा और किस देश से यह भारत में आ गया। अगर आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं तो चलिए इस वीडियो में पूरा जानते हैं। मोमोज का मतलब क्या है। ऐसे माना जाता है कि तिब्बत से निकल कर मोमोज सबसे पहले नेपाल गए। उन्होंने बनाने की विधि सामग्री थोड़ा अलग हो गई। मोमोज का अर्थ है भाप में बनी तिब्बतीय डिश जो कि मांस और सब्जियों को मिलाकर तैयार किया जाती है। नेपाल में मोमोज सबसे पहले काठमांडू में मिलने शुरू हुए थे। प्राचीन समय में मोमोज काठमांडू की घाटी नेवर समुदाय के बीच प्रसिद्ध था। ऐसे माना जाता है कि नेवर के व्यापारियों ने अपने व्यापार के दौरान तिब्बत से इन पकवानों को अपना और स्थानीय शैली में इस पकवान को एक नया रूप दिया, और इस तरह के मोमोज की शुरुआत हुई। तिब्बत के स्थानीय लोगों इस मोचा कहते थे। नेवाड़ियों में मानेव का अर्थ है उबला हुआ खाना, और सबसे पहले इस तरह के पकवान को मोमोचा नाम दिया गया। मोमो एक तरह की नेपाली पकौड़ा है जिसे नेपाल में फिर से यह बनाया गया था। बाद में यह व्यंजन पूरे नेपाल के पड़ोसी देश जैसे भारत में कभी इतना लोकप्रिय हो गया, इसके स्वाद को पूरी दुनिया में जाने लगा। मोमोज के नेपाल के साथ पूरी दुनिया में इतना लोकप्रिय होने का कारण स्वाद से समर्थ उपलब्धता और चालीलापन के मोमोज की विधि किस्में हैं। आप कई तरह के मोमोज अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। अपना पसंदीदा फीलिंग के साथ मोमोज बना सकते हैं और आप इसे अपने स्वाद के साथ समायोजित कर सकते हैं। यह इसे इतना लोकप्रिय बनाया जाता है कि प्रारंभ में नेवर समुदाय भैंस के मांस से भरे मोमोज खाते थे जिसे बफ मोमोज के नाम से जाने जाता था, और ज़्यादातर लोग भैंस का मांस नहीं खाते, इसलिए उन्होंने शाकाहारी लोगों के लिए वेजिटेबल मोमोज और मांसाहारी लोगों के लिए चिकन मोमोज बनाया। फिर लोगों ने इसके साथ कई प्रयोग करना शुरू कर दिए जिसे कि यह मोमोज का फ्राइड मोमोज, ओम मोमोज, तंदूरी मोमोज, चॉकलेट मोमोज नाम पड़ा आदि जन्म हुआ। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि आप इस व्यंजन में अपना स्वाद के हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं और वह स्वादिष्ट होता है। मोमोज की शुरुआत भारत में कैसे हुई। जब भारत की मोमोज की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा सिक्किम में यह प्रचलित है। ऐसे माना जाता है कि भारत के सिक्किम में मोमोज भुटिया लेपचा नेपाली समुदाय की वजह से पहुंचा, जिनके आहार का मुख्य हिस्सा मोमोज हुआ करता था। भारत में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में बहुत भारी संख्या में तिब्बतियों ने अपने देश से पलायन किया, जिसके वजह से उन्होंने यह स्वादिष्ट व्यंजन भारत के सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की पहाड़ियों से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली के कोने कोने में अब मोमोज के स्टॉल देखने को मिलते हैं, और स्वाद से भरपूर होने की वजह से यह हर एक उम्र के लोगों को पसंद आता है। कीमत की किफ़ायती। इसके अलावा इसकी लोकप्रियता का एक और कारण जिसकी कीमत है, चाहे वे फैंसी फाइव स्टार होटल या स्ट्रीट स्टॉल, आप हर जगह मोमोज पा सकते हैं और यह सस्ता है। शुरुआत में यह 10 रुपये प्रति प्लेट हुआ करता था और अब इसकी कीमत बढ़ने के बाद भी
आम आदमी के खर्च के सीमा के अंदर हैं। तो यह थी मोमोज की कहानी और इसके स्वाद, इस भोजन को हमारे बीच कब इतना लोकप्रिय हुआ पता ही नहीं चला। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।